चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जन समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर से संवाददाता सपना मिश्रा के साथ ग्राम सभा कबरा ब्लॉक पहला के प्रधान श्यामू यादव के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रधान जी। प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम श्याम यादव है जी, ग्राम पंचायत कवरा लगती है, विकास खंड पहला। आपका ये जो प्रधानी का कार्यकाल है, कितने वर्षों से है? अब यही 21 में जीते थे। 21 में जीते। अभी तक आपने गाँव के लिए क्या क्या कार्य करवाए? गाँव इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली है सब काम। विकास कितने मीटर तक सड़कों की इंटरलॉकिंग हो चुकी है? 400 मीटर लगवा दी। 400 मीटर जी। तो महिलाओं के लिए क्या क्या किया अभी तक? महिलाओं के लिए यही आवास वास जो मिलते हैं, शौचालय और तो कोई भी योजना नहीं। तो शौचालय अभी तक आपने बनवाए नहीं है ना? बनवाए हैं, बन गए। कितने बन चुके हैं? 40-50 बने। 40-50 और शिक्षा के स्तर से क्या किया? शिक्षा गांव में इंटरलॉकिंग जो विद्यालय के अंदर जो टैलीकरण सब में लगवाए, लैटिने बनवाए। बच्चों के लिए पार्क है या पुस्तकालय, ऐसा कुछ करवाया आपने? बना है, कम्प्लीट है। अच्छा, पार्क बन चुका है। तो अभी जो मनरेगा के हिसाब से जो कार्य हुए हैं, वो कितने कार्य हो चुके हैं और कितने नहीं हो चुके हैं? लगभग 10-12 कार्य हुए मनरेगा जी। गांव में गौशाला वगैरह बनवाई है? बनवाने जा रहे हैं, अभी बना नहीं, बनने जा रहा है। कार्य आरंभ हो चुका है या अभी नहीं? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं, प्रस्ताव पड़ चुका है, एस्टीमेट बन रहा है। तो उसका एस्टीमेट तैयार हो चुका है? तालाब वगैरह है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी गांव में अभी पूर्ण नहीं होगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? अब सोचा आगे धीरे धीरे काम होता, जिस हिसाब से एस्टीमेट बनते रहेंगे करवाते रहेंगे। एस्टीमेट आ चुका है क्या? जी, एस्टीमेट आ चुका है। और महिलाओं का तो चलो आपने अभी हमको बताया, तो स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या सोचा आपने? स्वास्थ्य मतलब? मतलब गांव में ये अस्पताल है या स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, वो तो उपकेंद्र है, यहाँ फिलहाल दवा मिलती है और तो सामुदायिक स्वास्थ्य रैया और यहाँ है सरकारी अस्पताल। अच्छा, सरकारी अस्पताल है जी। तो अगर कुछ इमरजेंसी होती है उसके लिए, महिलाओं के या बच्चों के लिए, फिर आप क्या उसके उस दृष्टि से क्या आपने क्या सोचा है? जैसे एम्बुलेंस साधन है तो प्राइवेट साधन किए जाते हैं वहाँ जाने के लिए। एम्बुलेंस है यहाँ पे जी, आती है। अच्छा, तो अभी तक कौन कौन से कार जो आपके गांव में आ रहे हैं, जिनसे दिक्कत हो रही है आपके गांव वालों को, कौन कौन से ऐसे कार हैं? कार है नाली, खड़ंजा, आवास, तीन कार। दिक्कत है और तो कोई दिक्कत है नहीं गाँव में। अब सबसे ज्यादा दिक्कत तो हरानगर से पब्लिक है, ज्यादा दिक्कत। क्या दिक्कतें आ रही हैं? रात भर बेचारे बचावत हैं, इसी ले ले घूमत लाठी डंडा। अब गौशाला बने तो बहन कल्याण है उनका, और कैसे। तो कब तक बनेगी? ये फरवरी मार्च में लगा लग जाए। मार्च में आरंभ हो सकता है? नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। तो कितनी गौशाला बनेगी कुछ पता है? अब 150-200 के आवास मतलब गौ के लिए बनवा रहे हैं दोस्त, 200 के लिए। तो अभी आप अपने गाँव वालों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी कोई संदेश क्या, जब तक बनेगा नहीं तब तक क्या संदेश। तो ये थे हमारे साथ श्यामू सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने गौशाला का निर्माण मार्च तक आरंभ हो जाएगा। देखने वाली बात ये है कि ये आगे अपनी रूपरेखा किस तरह से तैयार कर रहे हैं और क्या क्या रूपरेखा तैयार की है, उसके आरंभ कैसे कर रहे हैं, कार्य को कैसे पूर्ण करा रहे हैं। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।